हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि कंसीव कर लेने पे जब आपको पता चल जाता है आपका टेस्ट पॉजिटिव है और अब आप माँ बनने वाली हैं, तो सबसे पहले सोनोग्राफी कब होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको अपने गर्भ में पल रहे शिशु की विकास के बारे में जानकारी मिलती है और पहली सोनोग्राफी बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि पहली सोनोग्राफी कब करानी चाहिए और इसमें आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन अगर आपने YouTube मॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दें ताकि आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, पहली सोनोग्राफी का सबसे सही समय होता है 6 से 8 हफ्ता। जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है उसके 5 से 7 दिन बाद आप टेस्ट करते हैं, आपको हल्की फेंट लाइन आती है, आपको पीरियड मिस होके 1 हफ्ता होता है, 5 से 7 दिन बीत जाते हैं और आप टेस्ट करते हैं, आपको हल्की लाइन आती है या फिर प्रॉपरली आपको 2 पिंक लाइन दिखाई देती है और टेस्ट पॉजिटिव बताता है, साथ ही आपको सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सबसे पहले आपकी सोनोग्राफी की जाती है और ये समय हो जाता है लगभग 6 से 8 हफ्ते के बीच का। इस समय सोनोग्राफी कराना क्यों जरूरी है? क्या सभी महिलाओं को जरूरी है कि 6 से 8वें हफ्ते को सोनोग्राफी करवाएं? जी हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी होता है। पहली सोनोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है? महत्वपूर्ण होने का कारण है आपकी प्रेगनेंसी का स्टेटस, क्योंकि शुरुआत में ये जान लेना बेहद ज़रूरी है प्रेगनेंसी की कंडीशन क्या है। कहीं ये मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं, कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं, आपको अगर कमर में दर्द हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग फील हो रही है, तो हो सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। फ्रेंड्स, अगर पहली सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है तो महिला के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। तो आप सही समय पर अगर पहली सोनोग्राफी करा लेते हैं तो इससे आपको संभावित खतरे की पहली जानकारी मिल जाती है और सही समय पर सही कदम उठाया जा सकता है, इलाज लिया जा सकता है। 6वें हफ्ते के बाद हार्ट बीट भी शुरू होने का समय हो चुका होता है, तो अगर हार्ट बीट आ गई है तो वो भी आपको पता चल जाती है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है। साथ ही अगर गर्भ में 1 से ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो उसकी भी आपको जानकारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपको कंसीव हो गया है, आपके टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो जल्दी ही आप सोनोग्राफी करवा लें। आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ YouTube मॉम चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।